नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जिस श्रृंखला की हमने शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला का अगला अंक लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिरोध के विषय में। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के संयोजन को किस तरीके से हल कर सकते हैं, हम उसके विषय में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मिश्रित परिपथों के बारे में, किस तरीके से जटिल परिपथों को सरल परिपथों में बदलकर हम अपना उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, इन सब के विषय में हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए पूरा, तभी हम आगे जो जटिल परिपथ होते हैं उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अल्टीमेट लेक्चर की। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रेणी क्रम परिपथों की। श्रेणी क्रम परिपथ, तो श्रेणी क्रम मैंने आपको पीछे के लेक्चर में भी बताया था कि सिंपल सी परिभाषा आपको ये याद रखनी है कि जहां कहीं प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हुए हो कि किसी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मान लिया ये मेरा पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब ये इस तरीके से एक लकीर के रूप में भी हो सकता है या फिर इन्हीं प्रतिरोधों को इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। मेन चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि इस संयोजन में होता क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और जो अंतिम होगा वो बैटरी के टर्मिनलों से जुड़ा होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर हम यहाँ पर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, इसमें यहां अगर मैं सप्लाई दूं इसको प्लस टर्मिनल या माइनस का टर्मिनल, तो अब देखो बेसिकली हम इसको रूल बोल सकते हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो अब आपको पता है कि जब यहां से कोई आई धारा मान लिया मैंने निकलेगी, तो वो आई धारा क्या करेगी? अब आप बताओ इस धारा को पास होने के लिए कोई और मार्ग है? ये तो है नहीं कि वो यहां से यूं निकल जाएगी, क्योंकि यहां तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो एक अलग बात है कि मान लो यहां से परिपथ शॉर्ट हो गया तो हो सकता है धारा इसमें से बहकर के इधर ही आ जाए वापिस, लेकिन श्रेणी क्रम परिपथ में क्या होता है कि जो धारा यहां से निकलेगी वो धारा इस आर वन प्रतिरोध में भी होगी, इस आर टू प्रतिरोध में भी वही धारा होगी और इस आर थ्री प्रतिरोध में भी वही धारा होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर बात मैं श्रेणी क्रम परिपथों की करूंगा तो श्रेणी क्रम परिपथों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि धारा का मान क्या होता है, हमेशा समान रहता है। प्रश्न दिया हो सकता है आपको कि यहां कोई 20 वोल्ट की सप्लाई है, 2 एम्पियर की या फिर इनका 20 वोल्ट की सप्लाई है और यहां अलग अलग प्रतिरोधों के मान दे देगा और आपसे धारा दे देगा, या फिर आपको एक प्रतिरोध की धारा दे करके घुमा फिरा करके सवाल पूछ लेगा कि इस प्रतिरोध आर थ्री प्रतिरोध में धारा का मान बताओ। तो यदि श्रेणी क्रम परिपथ है और आपको किसी एक प्रतिरोध की धारा दी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वही धारा का मान अन्य दोनों प्रतिरोध में भी होगा, या फिर जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनमें भी धारा का मान क्या होगा, समान ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी चीज, वही ओम का नियम मैंने आपको बताया था, VIR, यही तीन चीजें सब जगह निकले के आएगी। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं वोल्टेज की। तो श्रेणी क्रम परिपथ की जब भी हम बात करेंगे तो श्रेणी क्रम परिपथ में देखो दोस्तों, वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर आपको याद रखना है कि अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम परिपथ में वोल्टेज का मान हरेक प्रतिरोध पर क्या होगा, अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होगा कि जिस प्रतिरोध का मान जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तीसरी चीज क्या निकल करके आती है कि अगर आपको यूं दे दे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो अब देखो आपको क्या करना है
इस श्रेणीक्रम परिपथ का जो कुल प्रतिरोध अगर हम बात करें, कुल प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं, आरटी जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना आप कि परिपथ के सबसे बड़े से बड़े प्रतिरोध के मान से भी उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हम इसकी बात करें, यहां मैंने मान लिया 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 4 ओम का, यहाँ 6 ओम का, तो इसका आरटी क्या होगा, इसके आरटी की अगर हम बात करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपस में सीधे जुड़ जाते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर किसके हो जाएगा, 12 ओम के। तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जो ये 12 ओम आया है, अब आपको पता चल गया होगा, वो इन तीनों प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी ज्यादा उसका मान है। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि श्रेणीक्रम परिपथ में जो प्रतिरोध का मान होता है, कुल प्रतिरोध, वो सबसे बड़े मान के प्रतिरोध के मान से भी उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मान लो हमें यहां पर क्या दिया हो, वोल्टेज दे दे, मैं इसी चित्र में बात करता हूं अब, यदि मान लो हमें वोल्टेज दी गई हो, यहां अगर हमें बोला गया हो कि 24 वोल्ट की सप्लाई मान लिया मैंने जोड़ दी, तो अब देखो आई का मान जब हम ज्ञात करेंगे, तो आई मैंने आपको बताया था ओम के नियम को जब पढ़ाया था, वी बटा आर होता है, तो वी बटा आर में देखो 24/12 हमारी जो धारा का मान आएगा वो क्या आएगा, 24/12 धारा कितनी आ जाएगी हमारी, 2 एम्पियर की। तो इस संपूर्ण परिपथ में धारा का मान कितना होगा, 2 एम्पियर ही होगा। अब 2 ओम के प्रतिरोध में भी वो 2 एम्पियर होगी, 4 ओम के प्रतिरोध में भी वो 2 एम्पियर होगी, और 6 ओम के प्रतिरोध में भी वो 2 एम्पियर ही होगी। आप ऐसे सीधा नहीं कर सकते श्रेणी क्रम में भाई, कि पीछे के 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को छोड़ के आप सीधा 2 ओम करके 24/2 12 एम्पियर धारा, नहीं। कुल प्रतिरोध और कुल वोल्टेज में भाग देने पर ही हमें क्या मिलेगा, 2 एम्पियर की धारा मिलेगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी, दोबारा सुन लीजिए एक बार। मैंने आपको बताया श्रेणी क्रम का पहला रूल ये है कि धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहेगा। दूसरा रूल मैंने आपको बताया, श्रेणी क्रम परिपथ जहां भी आ जाए आपको ध्यान रखना है कि जो कुल प्रतिरोध होगा वो सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी ज्यादा होगा। अब देखो तीसरी चीज हम यहाँ पर और सिद्ध करते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर हमने कुल प्रतिरोध 12 ओम ज्ञात किया और धारा कितनी आई है, 2 एम्पियर की धारा इसमें आ रही है। अब देखो तीसरी चीज क्या निकल करके आती है, अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग, अगर आपसे वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए इस तरीके के चित्र में, हो सकता है वो किसी एक का पूछे, तो एक का पूछे तो आप उसे एक का ही ज्ञात करना, ये नहीं कि आप तीनों का ज्ञात करने बैठ जाओ वहां पर। तो अभी मैं आपको तीनों का अलग अलग ज्ञात करके बता देता हूं कैसे ज्ञात होता है। ये जो R1 प्रतिरोध आपको दिख रहा है पहला 2 ओम का, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो इसके सिरों पर जब मैं वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करूंगा, मान लिया मैं लिख लेता हूं यहां पर VR1, तो वो क्या होगा, आई गुणा आर। अभी मैंने आपको बताया धारा तो समान ही है, तो 2 गुणा R का मान 2, 4 वोल्ट पहले प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। बात करते हैं दूसरे प्रतिरोध की, तो दूसरे प्रतिरोध पर क्या होगा, वही धारा का मान 2 एम्पियर, 4 गुणा 2 = 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तीसरे प्रतिरोध पर बात करते हैं हम 6 ओम की, VR3 की अगर मैं बात करूं, तो 6 गुणा 2 = 12 वोल्ट का इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब देखो उसमें पढ़ा था हमने KVL में कि अप्लाइड वोल्टेज बराबर किसके होगा, जो परिपथ के घटकों का वोल्टेज ड्रॉप है उसके होता है। तो हमारे उत्तर की अगर हमें जांच करनी है, तो ये जो तीनों हमने निकाले हैं 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, तो इनका योग किसके बराबर आना चाहिए, 24 वोल्ट के आना चाहिए। तो देखो 12 8 20 और 4 24, 24 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। ये तीसरी चीज। अब चौथी चीज की बात करता हूं मैं, तो आपको यहां पर एक चीज अगर आपने ध्यान लगाया तो गौर की होगी आपने कि श्रेणीक्रम परिपथ में जो प्रतिरोध जितना ज्यादा बड़ा होता है
जिस प्रतिरोध का जितना ज्यादा मान होता है वो उतनी ज्यादा वोल्टेज का क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। देखो 2 ओम का प्रतिरोध था तो वो सिर्फ 4 वोल्ट ले रहे हैं, 2 ओम से में जब हमने 2 ओम और जोड़ दिया 4 ओम का प्रतिरोध लिया तो वो 8 वोल्ट ले रहा है, जबकि 6 ओम का प्रतिरोध सबसे बड़ा है तो वो कितने वोल्ट की ड्रॉप कर रहा है, 12 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है। तो इसका मतलब चौथी चीज क्या होती है, श्रेणी क्रम में जिस प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप करता है। अब देखो मैंने आपको बताया था धारा का मान समान होता है, तो अब अगर आप R1 में धारा का मान ज्ञात करोगे तो R1 की वोल्टेज आपको पता चल गई 4 वोल्ट और प्रतिरोध का मान 2 है तो 4/2 बराबर 2 एम्पियर आ रहा है, हमारा उत्तर सही है। 8 वोल्ट आ गया R2 के ऊपर तो 8/4 जब आप करोगे तो इसमें भी धारा का मान 2 एम्पियर आ रहा है। 12 वोल्ट आ गया, 12/6 करोगे आप तो इसमें भी धारा का मान 2 एम्पियर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा रूल जो है वो एकदम सही है कि श्रेणी क्रम परिपथ में धारा का मान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। आशा करता हूं कि श्रेणी क्रम सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। सर्किट से ज्यादा आपको क्या याद रखने हैं, ये रूल याद रखने हैं कि धारा क्या होगी, वोल्टता क्या होगी, प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो ये चीजें हमें याद रखनी है, यहीं से हमारी जड़ मजबूत होगी और यहीं से आगे चल करके हम जो बड़े लेवल के सवाल होंगे उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं समांतर क्रम परिपथ की। समांतर क्रम परिपथों में क्या होता है दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऐसा संयोजन हो कि प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे तो एक साथ जुड़े हों और दूसरे दूसरे सिरे जो हों वो एक साथ जुड़े हों, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो यदि इस तरीके से कोई प्रतिरोध या फिर कुछ भी ले लो, आप लोड ले लो, यदि वो जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। अब इसके भी रूल के विषय में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सवाल भी बेसिक नॉलेज के बेस पर ही पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि सवाल इसमें हार्ड नहीं पूछा जा सकता, ये नहीं कि आपको 10 प्रतिरोध वाले घुमा फिरा के सवाल दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सवाल एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि पहली तो मेरी सलाह तो यही है कि यदि आप इनको कर सकते हो तो आप इन पे अभ्यास करो, यदि नहीं कर सकते हो तो आप इनको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता। मुझे आज तक कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला या नहीं दिखा जो ये बोल सके कि मुझे सवाल नहीं आते थे और मेरा आईटीआई बेस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाते ज़्यादा, सवाल वही पूछे जाते हैं जो 30 से 40 सेकंड में सोल्व हो सकते हैं और जो पूछे जाएंगे वो भी बिल्कुल लो लेवल होता है, आईटीआई बेस पे उतना हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता। और ये हो सकता है कि आपको घुमा फिरा करके सवाल पूछे, वो किस तरीके से होगा मैं एक दो उदाहरण आपको बता दूंगा। अभी बात करते हैं हम समांतर क्रम परिपथ की, तो समांतर क्रम में वहीं से शुरुआत करते हैं हम जैसा हमने श्रेणी में किया था, बात कर लेते हैं धारा की। तो धारा के विषय में यदि हम बात करें तो मैंने मान लिया यहाँ से कोई आई मान की धारा इधर से गुजरी, तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ दोस्तों कि जो आई मान की धारा यहाँ से निकली है तो अब क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि वो तीनों प्रतिरोधों में समान होगी, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता भाई, आप खुद एक कॉमन सेंस का यूज कीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं और एक प्लेन रास्ता है, तो आप किस रास्ते का यूज करोगे, प्लेन रास्ते का यूज करोगे। तो प्रकृति का ये रूल है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, तंग होकर के तो कोई भी खुश नहीं होता, तो धारा भी क्यों होगी। तो रूल आपको याद रखना है कि धारा हमेशा क्या करती है, लो रेजिस्टेंस का मार्ग चुनती है, जिस मार्ग में कम कठिनाई होगी उसी में से ज्यादा धारा बहेगी, ठीक है। तो समांतर क्रम में भी क्या होता है कि धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान के अनुसार क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी में मैंने आपको क्या बताया था कि धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है, पहली चीज तो ये होगी। अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की, तो मान लिया मैंने यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई दी, तो दोस्तों जो तीनों प्रतिरोध हैं 1, 2 और 3, इन तीनों प्रतिरोधों में भी जो वोल्टेज का मान होगा वो कितना होगा, 24 वोल्ट ही होगा। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान। समांतर क्रम में क्यों ऐसा रखा जाता है,
तो आपके पास में बहुत ही बढ़िया उदाहरण है आपके घरों का। घरों में आपने देखा होगा जो वायरिंग की होती है वो सारी समांतर क्रम में होती है। प्रत्येक लोड जो है वो वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज के क्या होगा पैरेलल में जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? ताकि उसको एक साथ में अगर हम कई लोड चला रहे हो तो प्रत्येक लोड पे जो वोल्टेज है वो क्या पहुंचनी चाहिए, बराबर पहुंचनी चाहिए। वरना अगर घरों की वायरिंग हम श्रेणी क्रम में कर देंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी लोड का मान अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो वो तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और कोई युक्ति का प्रतिरोध का मान कम है तो वो तो वोल्टेज ही नहीं पहुंचेगा उस पर, वो तो काम ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं हम प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध के विषय में वही चीजें, जो कुल प्रतिरोध होगा उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से जितने प्रतिरोध होंगे ये लिखते चले जाएंगे हम। मान लिया 5 प्रतिरोध है तो आप 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R4, 1/R5 इस तरीके से सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था श्रेणी क्रम में, कि जो कुल प्रतिरोध अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है, सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम होता है, सॉरी सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, ज्यादा होता है श्रेणी क्रम में। पर समांतर क्रम में दोस्तों क्या होगा कि जो कुल प्रतिरोध होगा वो जो सबसे बड़े मान का प्रतिरोध होगा या सबसे छोटे मान का जो प्रतिरोध होगा, उस छोटे मान के प्रतिरोध से भी उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो वही चीज यहाँ पर मान लिया हमने, वही 2, 4, 6 ओम के प्रतिरोध हैं, 2 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम का। तो अगर आप इसका RT ज्ञात करोगे टोटल रेजिस्टेंस, तो वो इस 2 ओम के प्रतिरोध से भी क्या आएगा, कम आएगा। और जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, इस 6 ओम के प्रतिरोध से भी वो ज्यादा आता था। तो समांतर क्रम की दूसरी शर्त आपके सामने ये होती है कि जो कुल प्रतिरोध होगा वो परिपथ में सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मान लो कई बार सवाल ऐसे भी मैंने देखे हैं कि प्रतिरोध दे दिया आपको 3 बना करके या 4 बना करके, और उत्तर में वो क्या करेगा, जो सबसे छोटे मान का प्रतिरोध है वो जो 3 ऑप्शन दिए होंगे वो उससे ज्यादा मान के दिए होते हैं। तो आपको वहां पर ही आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि वो तो उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे। या फिर मान लो आपके सामने 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं जहां सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी प्रतिरोध का मान ज्यादा आ रहा है, तो उन 2 को तो आपको चेक करना ही नहीं है, तो आधा समय तो हमारा वैसे ही बच जाएगा। और यदि 3 ऐसे आते हैं तो आपको चेक करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक ही चौथा ही होगा। तो इसलिए क्या होता है, दूसरा रूल मैंने आपको बता दिया कि जो कुल प्रतिरोध होगा RT वो सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यदि समांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध लगे हो, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि 100 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब 10 शाखाएं हैं अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पर 3 शाखाएं ली है 2, 4, 6 ओम की, 10 शाखाओं में 100 ओम के 10 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो आपको ये तो है नहीं हम 1/R1, R2, R3 ऐसे करके चलेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो सिंपल सा सूत्र आपको याद रखना है, R/N, उत्तर हो जाएगा 100/10 = 10। ओम के 10 प्रतिरोध 10 समांतर शाखाओं में जुड़े हों, तो सीधा सूत्र क्या होगा, समान मान के प्रतिरोधों के लिए लगाना है मित्रों। ये मैंने अभी आपको बताया, ये नहीं कि वहां पर वो 100, 150, 200, 250 ऐसे दे दे, आप वहां पर R/N कर दो, उस कंडीशन में ये रूल नहीं लागू होगा। यदि समान मान के प्रतिरोध दिए हों, ट्रिकी बेस सवाल में हो सकता है वो आपको दे दे कि 100 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध बताओ, तो कुछ लोग तो ऊपर वाला सूत्र लगा करके हल करेंगे, लेकिन वैसे सूत्र हमें नहीं लगाना। सिंपल सूत्र आपको याद रखना है कि कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/N 100/10 = 10 ओम। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड चीज की। यदि मान लो आपके सामने 2 ही प्रतिरोध दिए हो, जैसे 2 ओम और 4 ओम का दिया हो, तो उस कंडीशन में सूत्र आपको क्या लगाना है, बता देता हूं मैं आपको, R1 × R2 / R1 + R2, बस ये फॉर्मूला लगाइए आप, उन दोनों का आंसर आ जाएगा। मान लो समांतर क्रम में 2 ओम और 4 ओम के जुड़े हुए हैं, तो आप R1 की जगह 2 × 4 = 8, बटे में क्या आ जाएगा, 6, 8/6 आपका क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। अब बात करते हैं हम श्रेणी क्रम में, मैं आपको बताना भूल गया था, जैसा हमने यहाँ पढ़ा तो श्रेणी क्रम में भी मान लो अगर समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हों, भाई आपको बोल दिया जाए 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध बताओ,
तो वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पर फॉर्मूला हो जाता है आर गुणा एन, मतलब आर का मान जिस प्रतिरोध का मान है वो उतना मान गुणा में आपको क्या करना है, कितने जुड़े हुए हैं, मतलब 10 ओम के 10 जुड़े हुए हैं तो 10 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा 100 ओम उस परिपथ का आंसर होगा। अब बात करते हैं हम जो श्रेणी और समांतर इन दोनों को मिलाकर के परिपथों का निर्माण किया जाता है, उन परिपथों के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे, उनको बोला जाता है मिश्रित परिपथ। अब बात करते हैं मिश्रित परिपथों के विषय में, तो मिश्रित परिपथ में दोस्तों क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके के परिपथों का निर्माण किया जाता है कि जिनमें श्रेणी क्रम में भी कुछ युक्तियां लगी हो और समांतर क्रम में भी लगी हो, तो उनमें घबराने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रूल तो वही काम करेगा, अगर दो श्रेणी में है तो उनमें धारा बराबर फिर आगे बंटेगी तीन भागों में चार भागों में जो भी, तो वो भी अगर आपका ये बेस मजबूत है तो आपको उनमें भी सवालों में प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस तरीके के परिपथ कैसे होते हैं आपको मैं बता दूं, जैसे सिंपल सा सर्किट हम बनाए एक ओम एक ये प्रतिरोध, इसके बाद में मान लिया इस तरीके से जोड़ दिया इसने, अब इसके समांतर क्रम में कुछ प्रतिरोध जोड़ दिए, इस तरीके से जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो संयोजन होगा वो क्या होगा, अब देखो यहां पर यहां मान लिया बैटरी का हमने प्लस दे दिया, यहां पर माइनस दे दिया, तो अब क्या होगा इन प्रतिरोधों में देखो कि अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है परिपथ को इतने इसी टाइप में तो देगा नहीं, तो अभी ये ध्यान रखना है कि कहां पर प्रतिरोधों के सिरे जुड़ रहे हैं, क्योंकि रूल तो बेसिक ही फॉलो होंगे, तो यहां देखो अब इन तीन प्रतिरोधों के आपस में सिरे जुड़ रहे हैं, ये जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा यहां से दूसरे के पहले से जुड़ रहा है, यहां इसका दूसरा आया, वो आप ये नहीं कह सकते हम सीधा पहले आप इन तीनों को जोड़ लो, नहीं जोड़ सकते आप इन तीनों को, क्यों, क्योंकि इसके दूसरे टर्मिनल के साथ में कोई ये थोड़ी जुड़ रहा है अकेला, ये भी जुड़ रहा है ये भी जुड़ रहा है, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के परिपथों में किसको हल करना है, पीछे से शुरुआत करेंगे। अब ये तीन प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में है, मान लिया इनका मान 6 ओम है, हमने मान लिया तीनों 6 6 ओम के, तो मैंने आपको बताया था कि यदि समान मान के मैंने मान लिया ये 6 6 ओम के हैं, ये वाले मान लेते हैं हम 2 2 ओम के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था समान मान के हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है आर बटा एन, तो 6 बटा 2 क्या हो जाएगा मित्रों 3 ओम, अब 3 ओम आ गया इन तीनों का, तो अब इस परिपथ को आपको क्या कर देना है सरल बना लेना है, सरल कैसे बनाएंगे, तो अब हमें पता चल गया इन तीनों का मान क्या है 3 ओम आ गया, तो 3 ओम आने पे देखो इसको मिटा लिया हमने, इसको मिटा लिया, अब ये सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन गया, इस प्रतिरोध का मान अब क्या हो गया 3 ओम हो गया, तो अब देखो ये तीनों किस में हो गए श्रेणी क्रम में हो गए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 7 ओम इस परिपथ का क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन सर्किट को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन वाले परिपथ, जिनमें कुछ प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे और कुछ प्रतिरोध क्या होंगे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो अब इससे संबंधित ज्यादातर सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं, मतलब सवाल आपको मैं किस टाइप के बताऊं कि वो आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करेगा। भाई देखो जैसे मैं अभी बात करता हूँ आपके सामने, मैंने आपको प्रतिरोधों के मान ज्ञात करना बता दिया है, अब मान लो सवाल वो आपसे क्या पूछेगा, सवाल हार्ड नहीं पूछता, उसने बोला कि आपके पास कोई एक युक्ति थी जिसमें 1500 ओम का कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों, कोई युक्ति थी उसमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था 1500 ओम का, अब आपको उसको रिपेयर करना है, सवाल देखो किस तरीके से घुमा सकता है, पर आपको रिपेयर करना है और आपके पास में बॉक्स में क्या 1500 ओम का प्रतिरोध आपके पास में नहीं है, आपके पास में क्या है 2000 ओम के प्रतिरोध हैं या फिर सिर्फ 1000 ही ओम के प्रतिरोध है आपके पास में, क्योंकि वो मान तो ऐसे ही देगा जहां आपका दिमाग चल सके रीजनिंग की तरह, तो 1500 ओम का प्रतिरोध था और हमारे पास में सिर्फ 1000 ओम के प्रतिरोध हैं, तो आप उनको कैसे जोड़ोगे या फिर आप कितने प्रतिरोधों का यूज करोगे। तो अब देखो
यहां पर दिमाग को घुमाने के लिए क्या किया उसने, 1500 ओम की जगह हमें हजार हजार वाले दे दिए। तो वहां पर भी वही बेसिक नॉलेज, शुरू के पॉइंट मैंने आपको बताए थे, वही चीजें सब जगह काम आती है। तो आपको क्या करना है, ये तो है नहीं कि 1500 ओम का नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब देखो आप क्या करोगे, एक मैंने 1000 ओम का ले लिया, 1000 ओम तो मेरा प्रतिरोध हो गया, इसके पैरेलल में क्या करूंगा मैं इधर दो में क्या करूंगा समांतर क्रम में क्या जोड़ दूंगा, 1000 ओम के प्रतिरोध जोड़ दूंगा। तो अब बताओ आप मेरी युक्ति 1500 ओम की हो गई कि नहीं हो गई, 1000 ओम का ये हो गया और 1000 1000 इन दोनों का है, और जब समांतर क्रम में समान मान के हो तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है आर बटा एन, 1000 बटा 2 क्या हो जाएगा 500 ओम। तो देखो 1000 और 500 मिलकर के कितने बना देंगे, 1500 ओम बना देंगे। लेकिन वहां पर सवाल वो इसी टाइप के पूछेगा कि किसी युक्ति में आपको 1500 ओम के प्रतिरोध की जरूरत थी लेकिन आपके पास सिर्फ 1000 ओम के, तो कितने प्रतिरोधों का यूज करोगे आप। तो वहां पर घबराना नहीं होता, 3 ओम का करेंगे हम, सॉरी 3 प्रतिरोधों का यूज करेंगे। यदि पूछ ले किस तरीके से जोड़ोगे तो एक समान श्रेणी क्रम में और दो को समांतर क्रम में, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम मिश्रित परिपथों के विषय में, चल रहे थे हम, कुछ एक एग्जांपल और मैं आपके साथ में शेयर करता हूं जिससे आपका और क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मैंने एक सवाल लिया है, तो अब देखो इसमें, अब देखो मैंने आपको धारा और प्रतिरोध और वोल्टेज सब बता दिया है किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। आई अगर पूछता है तो वी गुणा आर हो जाएगा, सॉरी आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा, अगर वी पूछता है तो आई गुणा आर होता है, आर पूछता है तो वी बटा आई होता है। तो उन सब चीजों का बार बार मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं आगे मिश्रित परिपथों के विषय में, तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूं। अब इस प्रकार का सर्किट अगर हमारे सामने आ गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी कोई हार्ड वाले सर्किट नहीं है, तो वही रूल आपको फॉलो करना है। मैंने आपको बताया कि पीछे से चलेंगे हम, तो पीछे से अब देखो 5 ओम का दूसरा सिरा 10 ओम के पहले से, 10 ओम का दूसरा इसके 15 ओम के पहले से। तो अब देखो पीछे वाले परिपथों को जब हम बात करेंगे तो इसका टोटल आरटी क्या आ जाएगा, 5 10 और 5 कितना हो गया 15 5 और 10 जब जुड़ेंगे तो कितना हो गया पीछे वाले की अगर हम बात करें तो 30 ओम हो गया। ये तीन जो पीछे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं 5 ओम 10 ओम और 15 ओम, इनका कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीधे श्रेणी क्रम में है तो जुड़ गए 30 ओम हो गया। अब देखो कि 30 ओम और ये आपको दिखाई दे रहा होगा बीच का 20 ओम यहाँ हो गया ये। अब इसको हम तीनों को मिटा करके यहाँ क्या बना लेंगे, एक सिंपल सर्किट बना लेंगे। तो अब ये किस प्रकार का बन जाएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हम पीछे वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा परिपथ ये 3 प्रतिरोध यहाँ से हट करके यहाँ सिर्फ एक 30 ओम का प्रतिरोध रह जाएगा। तो अब क्या होगा, 30 और 20 दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो मैंने आपको बताया था जब दो को निकालना है तो आप क्या करोगे, R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। तो हम क्या करेंगे 30 गुणा 20 बटा 30 प्लस 20 करेंगे, तो 30 दूनी कितने हो गए 60 और 10 ये बच गया 600 600 बटा 30 बटा 50, 0 से 0 कट गया 12 5 60, 12 ओम आ गया। कौन कौन से का, ये 20 ओम वाले का और इधर जो 30 का हमने जोड़ा इनको, इन दोनों का सम्मिलित कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब देखो इसको भी मिटा देंगे हम यहाँ से, अब कैसे बन गया परिपथ 8 ओम, यहाँ इन सारों का मिला करके 12 ओम का एक प्रतिरोध और यहाँ 10 ओम। तो 12 8 20 और 10 30 और ये 30। अब देखो 30 वाले के समांतर में कितने हो गए 30 ओम हो गए। जब इनको श्रेणी में जोड़ोगे आप 8 ओम फिर यहाँ 12 ओम फिर 10 ओम, तो 8 और 12 20 और 10 ओम का ये हो गया 30। और जब मैंने आपको बताया था 30 और 30 दोनों समांतर क्रम में है, समान मान के प्रतिरोध है, तो उस समय मैंने सूत्र आपको बताया था कि R बटा N हो जाता है। तो 30 बटा जब आप 2 करोगे तो आंसर आएगा 15 ओम। तो ये 15 ओम अब आ गया इन पीछे वाले सारे परिपथों को मिला करके। तो अब ये पीछे का इतना पूरा सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, मिटा देंगे हम, इस यहाँ तक का मान कितना आ गया 15 ओम आ गया। अब देखो 25 और 15 कितने हो गए, 25 और 15 हो गए 40, 40 और 50 जुड़ करके हमारा जो आंसर आ जाएगा इस परिपथ का वो कितना हो जाएगा 90 ओम।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन परिपथों को हल कर सकते हैं। दोबारा समझा देता हूं दोस्तों एक बार फिर से, ये सबसे पहले पीछे से काउंट करना है हमें। यदि आपका दिमाग चलता है बढ़िया तरीके से तो आप किसी भी तरीके से हल करो, लेकिन बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूं कि पीछे से मित्रों हल करना है आपको। 5, 10 और 15, 15 और 5, 20 और 10, 30 आ गया, तो यहाँ एक पूरा इन तीनों को मिटा करके एक प्रतिरोध बन गया 30 ओम का। जब 30 और 20 समांतर में है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध हमने ज्ञात किया 12 ओम आया, यहाँ 12 ओम हो गया। 12 और 8 20 और 10 30, 30 और 30 समांतर क्रम में है तो कुल प्रतिरोध इनका 15 ओम हो गया, यहाँ अब एक 15 ओम हो गया। पीछे वाले सर्किटों को मिटाते जाएं आप, 15 और 25 जब आप जोड़ोगे तो 40 और 40 और 50 कितने हो गए, 90 ओम हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो अब तो मैं आशा करता हूं कि आपको वोल्टेज धारा, अब देखो धारा अगर पूछ लेगा तो हमें अभी हमारे पास में पूरे संपूर्ण परिपथ की धारा आ चुकी है, तो धारा भी अब इनमें प्रतिरोधों के अकॉर्डिंग आप ज्ञात कर सकते हो। वोल्टेज पूछे तो समांतर क्रम में जो जो जुड़े हुए उनमें समान होगी, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए उनमें लोड के अकॉर्डिंग होगी, तो उनकी आप अलग अलग ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन परिपथों को हल कर सकते हैं। अब कुछ एक मान लो जटिल सर्किट की बात का अगर मैं करूं तो उनमें भी क्या करना है हमको, उनको तोड़ करके कैसे हल करते हैं उसके विषय में बताता हूं मैं अभी आपको। तो अब जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अब इस तरीके के परिपथ आने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमें सामान्य रूप से नहीं पता चल रहा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। चलो यहां तक तो मैं पहुंच गया, अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि ये किसके श्रेणी में आ रहा है, ये समांतर में जा रहा है या श्रेणी में आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तरीका है बेसिक, बड़े से बड़े प्रतिरोध को भी आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो इनमें क्या करना है, आप जंक्शन बना लो। जैसे मैं मान लिया यहां पर मैंने कोई J1 जंक्शन मान लिया, ठीक है, फिर जंक्शन कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। यहाँ कोई J2 जंक्शन मान लो, यहाँ कोई J3 जंक्शन मान लो, या फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ आप ही, यहाँ जो ये खाली लाइन है उसमें आपको एक डमी प्रतिरोध मान लो 0 ओम का, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ हमने कोई J1 जंक्शन मान लिया, यहाँ पर ये बिंदु पर, यहाँ मैं कोई J2 या कोई J3 मान लेता हूँ। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी के प्लस टर्मिनल से मैं चलता हूँ, यहाँ से मैं चला बैटरी के प्लस टर्मिनल से, तो ये एक प्रतिरोध आपको दिख रहा है ऊपर वाला, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है J1 तक। तो अपने क्या करेंगे, इस एक प्रतिरोध को ड्रॉ कर लो, सर्किट को सरल बनाना सीखो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक पहुँच गए हम, इस बिंदु तक पहुँच गए J1 तक। अब देखो क्या हो रहा है दोस्तों, J1 से अब आप इतना तो समझ रहे होंगे कि तीन प्रतिरोध निकल रहे हैं। देखो एक, ये दो और ये तीन, आप इन प्रतिरोधों को चाहो तो नाम भी दे लो, कोई R1, R2, R3, R4, R5, R6, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। तो अब देखो तीन प्रतिरोध इस बिंदु से निकल रहे हैं और तीन में से ये दो देखो श्रेणी में है, सीधे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ J बिंदु तक पहुंच चुका हूँ, J1 तक, J1 से मुझे तीन प्रतिरोध निकालने हैं। तो सबसे पहले इन साइड वाले ऊपर के दो प्रतिरोधों की बात कर लेते हैं। मान लिया एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम, इस बिंदु तक पहुंच गए। इन दो प्रतिरोधों को मैंने ऐसे बना लिया तो क्या समस्या होगी, बिल्कुल सही है ना। यहां से ये पहला प्रतिरोध, उसके बाद में उसके दो जुड़े हुए श्रेणी में, तो हमने यहां ऐसे जोड़ दिया। अब बात करते हैं हम ये प्रतिरोध देखो कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, अब आपको पता चलेगा। पहला सिरा इसका मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है J1 से, और दूसरा सिरा कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ ये दोनों प्रतिरोध खत्म हो रहे हैं वहां जाकर के। तो अगर मैं इस नीचे वाले चित्र में इसको ड्रॉ करूँ तो कैसे करूँगा कि मैं यहाँ बना देता हूँ उस प्रतिरोध को, ये लो, और यहाँ जुड़ रहा है। किस प्रतिरोध की बात हो रही है, इस बीच वाले की, तो बीच वाले प्रतिरोध को मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ जोड़ दिया, तो चित्र तो वही रहा ना, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वो श्रेणी में है या समांतर में है। अब देखो यहाँ से दो जुड़े, दो निकल गए, ये विभव वाला इन दोनों के समांतर में है तो मैंने समांतर में जोड़ दिया। अब बात करते हैं हम, यहाँ मैंने आपको बताया था कुछ भी आज, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको समस्या हो सकती है,
तो यहाँ आप कुछ भी 0 ओम का प्रतिरोध मान लो, क्योंकि चित्र को सरल बनाना है हमें, तो कोई 0 ओम का प्रतिरोध आप मान लो J3 पे, और ये बिंदु मैंने आपको बताया था J2, तो J2 और J3 के बीच में आप कोई प्रतिरोध जोड़ लो तो 0 ओम का, तो ये मैंने मान लिया कोई 0 ओम का मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहां मैं पहुंच गया J3 तक। ठीक है, अब देखो बात करते हैं इस प्रतिरोध के विषय में। यहां जो प्रतिरोध ये जुड़ गया और एक ये वाला प्रतिरोध जो बचा हुआ है, तो अब बात करते हैं इस बीच वाले प्रतिरोध की। तो बीच वाला प्रतिरोध अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा J1 जंक्शन का पॉइंट है स्टार्टिंग। यहां से ये प्रतिरोध जुड़ करके कहां जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया ये हमारा कौन सा है, J3 पॉइंट पे जा रहा है। तो मैंने यहां पर ड्रॉ किया J3 को यहां पर। तो अब देखो इसको मैं कैसे बना सकता हूं कि J1 से शुरू हो रहा है, यहां से वो शुरू हो रहा है और जा कहां रहा है, J3 के सेकंड पॉइंट पर, यहां पर। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे होंगे मेरी बात को आप, कि अगर मैं इस प्रतिरोध देखो तोड़ना है हमें, ब्रेक इट डाउन और बिल्ड इट अप, ये मेथड होता है। यहां से ये प्रतिरोध शुरू हुआ J1 से, तो मैंने यहां से देखो शुरू कर दिया। अब देखो ये खत्म कहाँ हो रहा है, मैंने आपको बताया J1 J2 और J3, तो J3 के ऊपर ये खत्म हो रहा है। तो देखो J3 के ऊपर मैंने इसको खत्म कर दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब हमारा बचा कौन सा, ये वाला पॉइंट, तो ये J3 से तो शुरू हो रहा है और जा कहाँ रहा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो J3 से हम इस प्रतिरोध को ड्रॉ कर लेंगे, यहां से मैंने मान लिया इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं, और उसके बाद में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब देखो परिपथ हमारे लिए कितना सरल हो गया। अब अगर इसमें हमें कुछ भी चीज ज्ञात करनी हो तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम। जैसे मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछ ले कि RT की टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले ये दो देखो श्रेणी क्रम में कुछ भी मान आपको दिया होगा तो आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लोगे, उसके बाद में जो इनका टोटल आएगा वो इस प्रतिवाले प्रतिरोध के समांतर क्रम में होगा। तो आप इसको और इनका जो टोटल है इनको हल करोगे, कैसे करोगे वो मैं प्रक्रिया आपको बता चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं, तो अब देखो यूं नहीं जोड़ने आपको कि ये भी समांतर क्रम में, ये लास्ट में आएगा क्योंकि इसके बीच में एक डमी प्रतिरोध ये लगा हुआ है। पहले ये दो हल होंगे उसके बाद में ये आएगा, ये 0 ओम का है। तो जब ये दोनों हल हो जाएंगे तो फिर ये यहाँ पर एक सम्मिलित प्रतिरोध हो गया और दूसरा ये हो गया, फिर ये दोनों हल होंगे। जब ये पूरा सर्किट हल हो जाएगा उसके बाद में एक प्रतिरोध ये, फिर इस पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध और उसके बाद में ये वाला प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ करके क्या बन जाएंगे, एक कुल प्रतिरोध में ज्ञात हो जाएगा। आई ज्ञात करना होगा तो कुल प्रतिरोध बटा क्या कर लेंगे हम, वी बटा आर कर लेंगे, और अगर पावर पूछे तो पी बराबर वी गुणा आई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो परिपथ कितना सरल तरीके से बना सकते हैं हम। एक बार फिर से देख लो, J1 तक मैंने एक प्रतिरोध यहां से आ रहा है ये J1 तक, तो हमने एक प्रतिरोध J1 तक लिया। उसके बाद में J1 से देखो तीन शाखाओं में प्रतिरोध बन रहे हैं, तो हमें तो चित्र को सरल बनाना है, जितना सरल हम बना सके उतना। तो मैंने क्या किया, इन दो प्रतिरोधों को देखो, J1 से शुरू होकर J3 पे जा रहे हैं, तो J1 से शुरू होकर J3 तक ले आए मैं इनको। ये 0 ओम का हमने माना है, यहां पर माना है मैंने कोई प्रतिरोध 0 ओम का लगा है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे तो फिर आपसे ये चित्र ड्रॉ नहीं होगा, और वैसे अगर आप समझ लाओगे तो सही रहेगा। तो ये 0 ओम का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात करते हैं बीच वाले की, तो J1 और J3 के बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो J1 और J3 के बीच में हमने जोड़ दिया। फिर बात की इस प्रतिरोध की, तो इस प्रतिरोध में J1 और J3 के बीच में जुड़ा हुआ है ये वाला, तो J1 और J3 के बीच में हमने इसको जोड़ दिया। ये J1 और J2 के बीच था तो यहां जोड़ दिया। अब लास्ट वाला बचा, तो लास्ट वाला देखो J3 के सिरे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ J3 से हमने लास्ट वाले को जोड़ा। पहले इन दो को हल करोगे, फिर इसके समांतर में ये आ गया, फिर इन दोनों को हल करोगे, फिर इन तीनों का सम्मिलित प्रतिरोध, और उसके बाद में तीनों को हल कर दोगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे अभी आपको स्क्रीन पे एक और चित्र दिख रहा होगा। अब इसमें भी बेसिकली कोई ज्यादा साइंस नहीं है, अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको सीधा ही दिखाई पड़ रहा होगा कि कौन से समांतर में और कौन से श्रेणी में है। अगर नहीं पता चल रहा तो इसको कैसे हल करना है देखो, ये भी बता देता हूं मैं कि इस प्रकार के परिपथ में क्या हो रहा है।
सबसे पहले तो अपना कॉमन सेंस यूज करिए कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ एक जंक्शन बन रहा है। इस जंक्शन से एक दो और ये तीन तीन प्रतिरोध निकल रहे हैं। अब बनाने वाले ने उसको क्या किया, थोड़ा सा तिरछा बना दिया, टेढ़ा बना दिया। तो हमें जरूरी थोड़ी है इसको ऐसे का ऐसे ही बनाना है। हम इस परिपथ को क्या मैं ऐसे नहीं डिजाइन कर सकता इसको कि मैंने मान लिया ये मेरा प्लस टर्मिनल है, यहाँ मान लिया मेरा प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से मुझे तीन प्रतिरोध निकालने हैं, तो मैं इन तीनों को जरूरी थोड़ी ऐसे निकालूं, मैं यूं बना दे सकता हूं उनको, एक दो ये तीन। क्या आप ऊपर वाले इन तीन प्रतिरोध और इन तीन प्रतिरोधों में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है। ये पहला प्रतिरोध निकला, ये मैंने मान लिया बीच वाला, ये पहला प्रतिरोध है, ये लास्ट वाला ऊपर वाला, इसका सिरा पहला सिरा भी देखो कहाँ जुड़ा हुआ है, बीच वाले के पहले से, तो मैंने यहाँ बीच वाले के पहले से जोड़ दिया। नीचे वाले का पहला सिरा इन दोनों के पहले से जुड़ा है, तो मैंने इस नीचे वाले को पहले को जोड़ दिया। तो अब हमारे लिए ये चित्र देखो कितना सरल हो गया कि ये तीन प्रतिरोध जो क्या जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखो बात कर ले इधर वाले इस सर्किट की, इधर की, तो अब देखो ये तीनों प्रतिरोधों के दूसरे दूसरे सिरे जहां से जुड़ रहे हैं वहां से कोई दो प्रतिरोध निकल रहे हैं जो श्रेणी में जुड़ते हुए आगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहे हैं। तो हम भी उनको क्या करेंगे, श्रेणी में जोड़ देते हैं। लो मैंने जोड़ दिए, ये लीजिए श्रेणी में जोड़ दिया हमने इनको। तो अब देखो ये ऊपर के तीन सर्किट हमारे सॉल्व हो गए, ये दो श्रेणी वाले भी लगा लिए हमने। अब बचे कौन से, ये वाले दो परिपथ। तो अब देखो ये प्रतिरोध प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो हम भी यहीं से प्लस टर्मिनल से निकाल देंगे। और जुड़ वापिस कहाँ जुड़ रहा है, देखो दूसरा कहाँ जुड़ रहा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये नहीं है कि हम यहाँ से जोड़ करके यहाँ जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। पूरा का पूरा ये समांतर में जा करके कहाँ जुड़ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है। तो अब मैं इस पर जो साइड वाले प्रतिरोध है इनको कैसे बना सकता हूँ, यहाँ से मैंने माना को ये पहला प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध, और जुड़ कहाँ रहे हैं, माइनस से जाकर के जुड़ रहे हैं, और यहाँ हम क्या दे देंगे इसको, माइनस सप्लाई। तो अब देखिए ये प्रतिरोध हमारे लिए कितने सरल परिपथ में परिवर्तित हो चुका है कि जब हमें कुल प्रतिरोध या कुछ भी धारा वगैरह कुछ भी ज्ञात करना हो तो आपको सूत्र बताए हुए हैं। सबसे पहले ये तीन समांतर क्रम में इनको हल किया, जो उत्तर आएगा जो भी आपसे मान दिए होंगे मान के अकॉर्डिंग आपको बताना है, बाकी इतने टफ लेवल के सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन तीनों का मान आपको ज्ञात हो गया, जो कुल प्रतिरोध आएगा वो फिर ये सारे श्रेणी में हो जाएंगे। इन तीनों का कुल प्रतिरोध इसका और इसका, ये श्रेणी में नहीं है ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस से शुरू होकर के माइनस में है। तो इन तीनों का कुल प्रतिरोध और इस वाले का प्रतिरोध और इसका, ये तीनों श्रेणी में होंगे, इनको जोड़ दोगे, जो प्रतिरोध आएगा वो इन दोनों के क्या होगा, समांतर में होगा। उसको इन दोनों को पहले श्रेणी में जोड़ के फिर इनके समांतर में रख करके हम क्या कर सकते हैं, कुल प्रतिरोध को मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इतने सवाल आईटीआई के लेवल के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो पर्याप्त हैं। बीच बीच में हम कुछ एक सवालों को और करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ दिमाग पे इतना बोझ डालना भी अच्छी बात नहीं होती है दोस्तों। बीच में जैसे कि जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली कॉमन सेंस वाले की, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, श्रेणी में जोड़ दो तो कौन सा तेज चलेगा, उस टाइप के सवाल जैसे ही हमें समय मिलेगा बीच बीच में हम उनको सॉल्व करते चलेंगे। अभी के लिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित परिपथ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, इससे बाहर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते। अब बात करते हैं, हम एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था पीछे, व्हीटस्टोन ब्रिज के विषय में बात करूंगा मैं अब। व्हीटस्टोन सेतु जिसको बोला जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है दोस्तों, वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि कोई भी परिपथ होता है उसमें धारा तभी प्रवाहित होती है जब दोनों ओर के सिरों पर क्या हो, वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। धारा तभी प्रवाहित होती है जब विभवांतर होगा, और विभवांतर नहीं होगा तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। भाई आप समझ रहे होंगे कि दो टैंक है, दोनों में पानी का लेवल बराबर है,
तो क्या कोई दूसरा टैंक भी एक टैंक से पानी निकल के दूसरे में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही अगर मान लो एक टैंक का लेवल ऊपर बढ़ा और उसके बीच में हमने कोई पाइप लगाया, तो उस पहले टैंक का पानी दूसरे में जाएगा। तो धारा के लिए भी यही सिस्टम होता है कि जब विभवांतर होता है तभी वो प्रवाहित होती है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत होता है कि धारा तभी प्रवाहित होती है जब विभवांतर होता है। अब बात कर लेते हैं हम, जैसा मैंने आपको बताया था समांतर प्रतिरोधों में। तो यदि मान लो हमारे पास में इस तरीके के सर्किट है और समांतर प्रतिरोधों का मान मान लो बराबर है, दोनों शाखाओं में प्रतिरोध मान लो बराबर है, अनुपात समान है। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई मीटर जोड़ता हूँ या कोई गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जैसे हमने, तो यदि इनके मान बराबर है, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर है, तो क्या इसमें से कोई धारा प्रवाहित होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। यदि प्रत्येक समांतर शाखा में ध्यान रखना, या तो प्रतिरोध जरूरी नहीं है अनुपात हो, या तो प्रतिरोध का मान या अनुपात उनके समान हो, तो बीच में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही सिद्धांत किसमें प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में किया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज 1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम तक के प्रतिरोधों को मापने में उपयोग लेते हैं हम। 1 ओम से लेकर के 1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम तक के परास तक के प्रतिरोधों को मापने में किसका उपयोग किया जा सकता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे इसमें उत्तर निकलते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार का बॉक्स होता है, जैसा कि हमने चित्र बना करके मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें क्या होती है, 4 भुजाएं होती है, जिसमें पी और क्यू भुजा जो होती है, मान लिया हमारा ये चित्र इस टाइप में, पी भुजा हो गई और ये क्यू भुजा हो गई, वो तो अनुपात भुजा होती है। अनुपात का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लिया मैंने पी का मान ले लिया 10 ओम और क्यू का मान ले लिया 100 ओम, तो उनका अनुपात हो गया 1:10। तो पी और क्यू को क्या बोला जाता है? अनुपात भुजा बोला जाता है। एस जो होती है, उसमें आप व्हीटस्टोन ब्रिज को देखेंगे जब प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कभी, तो एस भुजा जो होती है वो उसमें परिवर्तित होती है, मतलब परिवर्तित भुजा होती है। और जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना होता है उसको बोला जाता है आर भुजा या फिर आर एक्स, अज्ञात प्रतिरोध। तो इसमें देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि संतुलन की स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होता। तो मैं बात करूं, अगर संतुलन की स्थिति में चलते हैं, यदि मान लो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, संतुलन की स्थिति में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा? आप खुद सोचिए कि कॉमन सेंस की बात होगी कि यहाँ वोल्टेज अगर हम पी के ए और बी बिंदु के बीच में अगर मैं बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि जो वी ए बी बराबर किसके हो जाएगी? वी ए डी के। जब संतुलन होगा तब की बात हो रही है, तो संतुलन में जो यहाँ की वोल्टेज है वो यहाँ के बराबर होगी, और इन दो के बीच की जो वोल्टेज है वो इन दो के बीच की वोल्टेज के बराबर होगी। तो अगर हम इसको समीकरण में लिखे, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, वी ए बी बराबर किसके होगा? वी ए डी के। और वी बी सी बराबर किसके होगा? वी सी डी के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, वी ए बी बराबर होगा वी ए डी के और वी बी सी बराबर होगा वी सी डी के। तो अब हम बात करते हैं कि यहां से मैंने मान लिया कोई, सॉरी यहां से को मैंने मान लिया कोई आई धारा निकली, वो आई धारा इधर गई, और इधर वाले प्रतिरोधों में से मैंने मान लिया कोई आई टू धारा बह रही है। ठीक है, तो अब हम अगर धारा के रूप में अगर इसको समीकरण को अगर मैं लिखूं, तो मैंने माना ए से कोई आई वन धारा निकली, तो पी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? आई वन गुना पी हो जाएगा। आई वन गुना पी, और एस में भी क्या होगी? आई वन धारा, एस में नहीं क्यू में, सॉरी क्यू बिंदु जो है, हमें ऊपर वालों की बात कर रहे हैं अभी, ए से कोई आई वन धारा निकली,
वो पी में प्रवाहित होकर के फिर क्यू की तरफ बढ़ी और नीचे एस की तरफ हमने माना कोई आई टू धारा निकली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई वन गुणा पी बराबर किसके हो जाएगा, आई टू गुणा एस, क्योंकि एस से तो आई टू धारा निकल रही है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अगर बी के बाद में, तो मैं लिख सकता हूँ आई वन गुणा क्यू बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, आई टू गुणा आर एक्स के। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। दोबारा देख लीजिए कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत की बात हो रही है कि जब ये संतुलन की स्थिति में होगा, मतलब यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बराबर होगा इन दो और इन दो के वोल्टेज के बीच बराबर होगा, तभी तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तभी तो हम इसको संतुलन में बोल सकते हैं। तो मैंने मान लिया ए से कोई आई वन धारा निकली और इधर से कोई आई टू धारा निकली, तो जब हम इस प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप की मैं बात करूंगा तो आई गुणा आर, तो प्रतिरोध का मान मैंने पी लिया है तो आई वन गुणा पी कर दिया मैंने, फिर वो आई वन धारा इधर प्रवाहित होगी क्योंकि नीचे तो जाया नहीं सकती संतुलन में, तो आई वन गुणा क्यू, इसी तरीके से आई टू गुणा एस हो जाएगा इसमें वोल्टेज ड्रॉप और आई टू गुणा आर एक्स हो जाएगा। अब हम इनको बराबर में अगर रखें तो कैसे होंगे ये, तो देखो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई वन पी बटा आई वन क्यू एक तरफ लिख लेते हैं इनको, और आई टू एस बटा रख लेंगे हम आई टू आर एक्स के। तो आई वन से आई वन कट गया, आई टू से आई टू कट गया, तो निकल करके हमारे सामने क्या आया पी बटा क्यू बराबर एस बटा आर एक्स। यही सूत्र होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको बेसिकली सवाल कैसा होगा, तीन प्रतिरोधों के मान वो दे देगा और चौथे प्रतिरोध का मान पूछ लेगा, तो आपको ये सूत्र याद रखना है पी बाई क्यू बराबर होता है एस बाई आर एक्स के। या फिर कैसे पूछ सकता है, यदि अनुपात के रूप में वो आपसे पूछ रहा है तो आप ध्यान रखना कि जैसा मैंने आपको बताया था अनुपात समान होनी चाहिए, तो यदि मान लो वो आपको कहता है कि P का मान 100 ओम है, Q का मान 1000 ओम है और S का मान वो आपको 10 दे रहा है, तो मेरे भाई यहां पर जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, P का मान 100 है और Q का 1000 है, तो 1:10 हो रहा है, तो यहां भी उत्तर निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, यहां पर भी जो होगा वो क्या होगा 1:10 ही होगा। तो S का मान अगर 10 है तो यहाँ आर एक्स का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 100 ओम, उसका डायरेक्ट उत्तर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज का सूत्र भी मैंने आपको बता दिया है, बाकी कैसे निकलता है वो भी मैंने प्रक्रिया आपको बता दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ाई जा रही है। मेरे विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इतना जान लीजिए बस कि मैं स्वयं राजस्थान टॉपर रह चुका हूं आईटीआई ट्रेड से, संपूर्ण ऑल इंडिया में सेकंड रैंक रह चुका हूं। तो आप इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बता रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हो, क्योंकि मैं खुद कई एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमारे साथ बने रहें। दूसरी चीज़ निकल करके आ रही है ड्राइंग की क्लासेस के विषय में, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो ड्राइंग की क्लासेस इन्हें निजी कारणों से सर को बाहर जाना पड़ा है इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो आप ये ना सोचें कि हमने सिलेबस को शुरू करवा के आपको सिलेबस पूरा नहीं करवा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पूरे का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, और वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती है। अन्यथा किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सारा अगर आप रटने पे आओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल करके अपनी तैयारी जारी रखें, ड्राइंग की चिंता बिल्कुल ना करें, आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बताई जाएगी और वो भी सारी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगी सिर्फ वो। तो आपका सिलेबस ड्राइंग का भी पूरा करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का भी मेरे द्वारा मैं उम्मीद करूँगा कि पूरे के पूरे आपको चैप्टर उपलब्ध करवाऊं, क्योंकि समय की थोड़ी अनुपलब्धता रहती है,
जिसके कारण देख जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वीडियो भी लेट अपलोड होते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके एग्जाम से पहले पहले पूरी की पूरी आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कवर करवा दी जाए। लेकिन ड्राइंग के विषय में आप बेफिक्र रहें तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप। शुभ रात्रि। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता है वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।